इस वीडियो में हम संख्या की संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए बीड मास रूल क्या होता है उसे हम सीखेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संख्या की संक्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग क्या होती है। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक संख्या की संक्रियाएं हैं तो उसे हम विडमास नियम के अनुसार कैसे हल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम विडमास नियम से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या की संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न है जिसमें दो संक्रियाएं हैं, जोड़ और गुणा। तो एलियन के हिसाब से हल करने पर यहाँ पर प्राप्त होता है 25, जबकि गणित की संक्रियाओं का उपयोग करते हुए हल करने पर उत्तर प्राप्त होता है 13। क्या आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा मान सही है? गणितीय संक्रियाओं के नियम का उपयोग करते हुए हल करने पर यह इंसान के लिए सही है। यहाँ पर हमारे पास दो संक्रियाएं हैं, जोड़ और गुणा। हमारे गणित के नियमों के अनुसार जोड़ने से पहले हमें गुणा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 और 5 का गुणा करेंगे जिससे हमें 10 प्राप्त होगा। उसके बाद हम 10 और 3 को जोड़ेंगे जिससे हमें 13 प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ पर कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें एक से अधिक गणितीय संक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आप एलियन नियम से जोड़ें, मतलब पहले आप जोड़ें फिर गुणा करें, और गणित नियम से जोड़ें यानी पहले गुणा करें फिर जोड़ें, तो आप देखें कि आपको क्या उत्तर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए संक्रियाओं के क्रम को बदलें और देखें कि आपको कितने अलग अलग उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संक्रियाओं का क्रम सबसे महत्वपूर्ण कब होता है? तो हल करने के लिए संक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक कहते हैं। उसके बाद हमें इंडाइसेस या घातांक को हल करना होता है। तीसरे चरण में हम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम भाग और गुणा कहते हैं। और चौथे चरण में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसे हम जोड़ और घटाना कहते हैं। यदि आप अंग्रेजी के पहले अक्षरों के साथ इसे आप देखें तो आपको याद करने में आसानी होगी, और जिसे हम बिड मास रूल कहते हैं। यहाँ पर अब कुछ प्रश्न हैं जिसे हम हल करना सीखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो पहले हल होने वाली संक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहले कोष्टक लगा दें। उसके बाद कोष्टक को हल करें और बाकी बचे हुए मान को लिखें। तो आप देख सकते हैं कि 5 और 3 का गुणा करने पर हमें 15 प्राप्त होगा। अब हम 15 और 6 को जोड़ेंगे जिससे हमें 21 प्राप्त होगा। यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 और 6 में कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद हम कोष्टक को हल करेंगे और बाकी की संक्रियाएं हम बाद में हल कर लेंगे। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 15 को 5 से भाग करेंगे और उसके बाद जो मान प्राप्त होगा उसमें हम 6 को जोड़ देंगे। तो आप वीडियो को थोड़ी समय रोकें और इस प्रश्न को हल करें। बिल्कुल सही, आपको यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। अब आप अपनी नोटबुक पर इन प्रश्नों को लिखें और हल करें। अब आप यहाँ पर अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि संख्या की संक्रियाएं क्या होती हैं, संख्या की संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को विडमास नियम से कैसे हल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने विडमास नियम से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करना सीखे। अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है कि संख्या की संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को विडमास नियम से कैसे हल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।